सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपसे बात करूंगा कि फ्यू थिंग्स, 4 to 5 थिंग्स यू शुड डेफिनेटली डू ड्यूरिंग योर क्वारंटीन पीरियड। और आपको डेफिनेटली उस क्वारंटीन 14 डेज क्वारंटीन पीरियड होता है उसका यूज़ करना चाहिए। सो क्या क्या काम करना चाहिए ड्यूरिंग दैट 14 डेज, हम मैं इस वीडियो में आपसे बताऊँगा। So without wasting time, let's begin the video. The first task is, आपका 14 days quarantine चल रहा है तो आपको 4-5 days पहले आपको आपकी SIN number की appointment ले लेनी है, क्योंकि सिन नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और जो नंबर होता है सिन नंबर, उससे आपको, आप कहीं भी जॉब अप्लाई करोगे तो सिन नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेक श्योर आप क्वारंटाइन के टाइम आपका सिन नंबर के लिए अप्लाई कर दो। नेक्स्ट इज़ बैंक, आपके GIC अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट खुलवाना है आपको, तो आप अपॉइंटमेंट ले लो 3 to 4 डेज पहले हो या तो 5 डेज पहले, तो आप मेक श्योर अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप आपके बैंक में कॉल करो या तो फिर अगर ऑनलाइन प्रोसीजर है, सबकी ऑनलाइन ही है, फॉर एग्जांपल स्कोशिया की भी ऑनलाइन है और CIBC की भी ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो आपको बैंक में ऑनलाइन वेबसाइट जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये दूसरा काम भी आप कर दो कि अपॉइंटमेंट ले लो, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आपके हिसाब से आप आपकी अपॉइंटमेंट ले लो। तो फर्स्ट इज़ सिन नंबर की अपॉइंटमेंट, सेकंड इज़ GIC की बैंक अकाउंट की अपॉइंटमेंट, थर्ड इज़ अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो फ़िलहाल बहुत सारे कंपनी है, फ्रीडम और सब, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। प्रीपेड, पोस्टपेड आप नहीं मंगवा सकते क्योंकि पोस्टपेड में आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि 3-4 डेज डिलीवरी के लेता है। सो इफ़ यू विश, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे भी जाओगे तो आपको सिम कार्ड वो दे देंगे, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी। फोर्थ थिंग इज़ आप आपका रेज्यूमे अच्छा बना दो और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट पोजिशन में, कि आप रेज्यूमे अच्छा बना दो और आप आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर आप क्वारंटीन हुए हो और घर ढूंढ रहे हो तो आप KGG में जाओ और हाउस फॉर रेंट या अपार्टमेंट फॉर रेंट, बेसमेंट फॉर रेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप रेंट ढूंढो, इट विल बी वर्थ, क्योंकि 14 डेज पीरियड में आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यस, एंड फाइनल थिंग इज़ असाइनमेंट। आपके क्वारंटीन पीरियड में जितना भी असाइनमेंट हो आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप जॉब ढूंढने जाओगे, आप रूम शिफ्टिंग करोगे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, बैंक अकाउंट खोलने जाओगे, फिर आपको वॉकिंग और सब, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा असाइनमेंट करने के लिए। तो मेक श्योर आपके क्वारंटीन में जितने असाइनमेंट होते हैं वो सब कंप्लीट करना है। तो मेक श्योर आप ये 5 से 6 चीज़ें ध्यान रखें अगर आप क्वारंटीन में आपका टाइम यूज़ करना चाहते हो तो। दैट्स इट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।